गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। ओके, आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, जो कि हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। सीक्वेंस जो हमारा रेडियो वेव है, रेडियो वेव के बाद हमारा क्या आता है, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद हमारा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल, विजिबल के बाद जो आता है हमारा अल्ट्रा, अल्ट्रा के बाद आता है हमारा एक्सरे, एक्सरे के बाद आता है हमारा गामा। तो ये सात जो हमारे स्पेक्ट्रम है, इसको वन बाय वन इसके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, यूज क्या है, डिटेक्शन क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, इसको वन बाय वन हम देखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन अपन इसकी स्पेक्ट्रम को चेक करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो है एकदम शॉर्ट है, क्या कब कब किया हुआ है इसको हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो पहले तो आपको इस सीक्वेंस याद रहना चाहिए, क्या क्या रहेगा हमारा, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग अभी देखेंगे, मतलब बढ़ते हुए आवृत्ति और घटते हुए तरंग दैर्ध्य के हिसाब से वेव का सीक्वेंस क्या होगा। इसमें आ जाता है पहला हमारा जो होता है रेडियो वेव, सेकेंड जो होता है हमारा माइक्रोवेव, थर्ड जो होता है इंफ्रा रेड वेव, फोर्थ नंबर विजिबल, फिफ्थ नंबर हमारा अल्ट्रावायलेट, एंड सिक्स नंबर एक्सरे, एंड लास्ट इज गामा। ये हमारा सीक्वेंस, इस सीक्वेंस को अब याद रखेंगे, किसमें, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड डिक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। हमारा जो होगा यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक। तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे क्या, रेडियो वेव्स का, ठीक है, रेडियो वेव्स का, वेरी, ये चल रहेगा, चल रहा है, ठीक। तो रेडियो वेव का वेवलेंथ देखते हैं, फर्स्ट में वेवलेंथ है हमारा, तो वेवलेंथ का सीक्वेंस कैसा होगा हमारा, डिक्रीजिंग, घटते हुए जाएगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ते हुए जाएगा। तो इसका यदि हम रेंज देखेंगे तो ये होता है हमारा 6 × 10⁻² मीटर, ठीक है। ये इस रेंज का होगा हमारा क्या, रेडियो वेव्स, इस रेंज का होगा हमारा क्या, वेवलेंथ, दैट इज व्हाट 0.1 मीटर से क्या होगा है, अबव होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, अधिकतम होना है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो यहाँ हमारा होता है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 5 × 10⁹ Hz to 10⁹ Hz। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, यूनिट होती है, हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। यदि आप किलो हर्ट्ज में देखेंगे और मेगा हर्ट्ज की बात करेंगे तो इसी को हम चेंज करके क्या किए, 500 kHz to 1000 MHz, ठीक है। इसकी डिस्कवरी देखेंगे, इसका रेडियो वेव्स की डिस्कवरी कौन किया है, मार्कोनी साहब ने, ठीक है। हम डिटेल से आप उसमें देख चुके हैं सातों का पूरा ब्रीफ, तो आज हमारा एक शॉर्ट लेक्चर है जिसमें आप समझ पाएंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने किस वेव का खोज किया है और क्या क्या प्रोडक्शन किया है, क्या इसके यूजेस है, इसको हम छोटे से वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो रेडियो वेव्स की खोजकर्ता कौन है भैया, डिस्कवरी कौन किया है, मार्कोनी साहब ने, कब किया है, 1899 ईयर वाइज आपको याद रहना चाहिए कि रेडियो वेव्स का जो हमारा डिस्कवरी हुआ था कौन से ईयर में हुआ था, 1899 मार्कोनी साहब ने किया था। इसका सोर्स क्या है, क्या ऐसा सोर्स किया था जिससे हमारा रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हुआ था, तो इसमें हुआ था हमारा एक्सेलरेटेड चार्ज ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स, ठीक है, जो हमारा त्वरित आवेश होता है ना, त्वरित आवेश के द्वारा हम रेडियो वेव्स को, है ना, यह इसको स्रोत है, और ऑक्सीलेटिंग है ना, दोलित्र परिपथ के द्वारा भी इसको हम रेडियो वेव्स को, इसका स्रोत को जान सकते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, विवर्तित होती है, विवर्तित मतलब डिस्ट्रैक्ट के फॉर्म पे होती है। यदि यूजेस देखें तो ये क्या होता है, कम्युनिकेशन इन रेडियो, ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन में इसका यूज होता है, ठीक। जैसे अभी आप रेडियो कम्युनिकेशन में जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है इसी के नियर अबाउट होता है, आप सभी जानते हैं, जैसे माय एफएम वगैरह जो कि हमारा 88 to 108 Hz के बीच में होता है, जो हमारा एफएम होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इस रेंज में होगा। तो ये सब आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप कवर कर चुके हैं, इस लेक्चर में भी आप मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। जैसे एंटीना के थ्रू, एंटीना के थ्रू हम लोग पहले क्या करते थे, रेडियो चलाने के लिए
कहीं घर घर आ रहे हैं, मतलब हमको उस फ्रिक्वेंसी का नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जहां पर क्लियर हमको मिल रहा है एंटीना, जिससे हम उसको तो हर एक का एक हमारे इस में क्या होता है, एक रेंज होता है, उस रेंज को यदि फॉलो करता है तो उसके हिसाब से एक डिवाइड होता है। तो जो फ्रिक्वेंसी होता है FM, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, और AM भी होता है। तो इसमें याद रखिएगा 88 to 108 hertz के बीच में हमारा ये रेडियो वेव फॉलो। फर्स्ट लाइन क्लियर है ना, हमको दी सेकंड, सेकंड भी हम देखिए, ये हमारा होता है माइक्रोवेव, ठीक है। ये क्या होगा हमारा माइक्रोवेव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे, ये क्या होती है बहुत ही सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे होगा तो 0.1 meter to 1 mm, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं भाई वेवलेंथ को क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटर में हुआ था ये सबसे बड़ा मीटर, फिर ये छोटा, फिर और छोटा, फिर किस में आ गए mm, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा घटते हुए क्रम में है, तो इसका वेवलेंथ याद रखिएगा 0.1 meter to 1 mm, ठीक। यदि फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी होता है 3 × 10⁹ hertz, 3 × 10⁹ hertz to 3 × 10⁻¹ hertz, ठीक। यदि हम गीगा हर्ट्ज में देखेंगे तो 3 GHz to 300 GHz, इस रेंज में होता है हमारा क्या माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, इसके खोजकर्ता का नाम है भैया हमारा क्या है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज ने कब किया, 1888 फर्स्ट वाला क्या है 1899, याद करते भी आपको अच्छा बनेगा, वो 99 है, ये 88 है, ठीक। इसका सोर्स क्या रहा जिससे हमको पता चला कि माइक्रोवेव है, वैक्यूम ट्यूब से और हमारा मैग्नेट्रॉन से, है ना, और क्लेस्ट्रॉन से। तो ये हमारा सोर्स था जिसके थ्रू हम माइक्रोवेव को हमने प्राप्त किए। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो ये क्या होता है, नैरो रेस के फॉर्म पे हमको मिलता है, है ना। और यूजर से भी देखेंगे तो हमारा रडार में होता है, माइक्रोवेव होता है, ओवन, है ना, रडार ही हमारा क्या दूर संचार के माध्यम से इसको कर सकते हैं। जैसे रडार आप जानते हो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, माइक्रोवेव बहुत ही कम, ओवन जो होता है यदि आप हायर क्लास जाते हैं तो ओवन एक ऐसा चीज है जिसमें क्या करते हैं फिल्म वगैरह बनाते हैं तो उसको कुछ टेम्परेचर में, कुछ टेम्परेचर दे के कुछ समय तक उसको रखा जाता है, वो हॉट एवन के जैसा होता है, ठीक। और यदि डिटेक्शन देखेंगे तो हमारा कैसे है, कॉन्टेक्ट पॉइंट डायोड, है ना, जो हमारा बिंदु संपर्क डायोड है ना, बिंदु में जो संपर्क डायोड होता है उसमें ये डिटेक्शन हम देख सकते हैं। तो ये चीज क्लियर हुआ माइक्रोवेव्स का, ठीक। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है जिसमें आप ब्रीफ जाना है तो आप वन बाय वन उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये छोटा जानकारी है जिसमें आपको पूरा चीज याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, है ना, नेम क्या है, वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्कवरी क्या है, सोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, यूजेस क्या है, डिटेक्शन क्या है, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, ठीक। थर्ड पॉइंट में हम लोग देखते हैं आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स में देखेंगे इसका जो वेवलेंथ का रेंज है 1 mm to 10 × 10⁻¹ meter। यदि हम इसका mm में देखेंगे या नैनोमीटर में चेंज करेंगे तो 1 mm to 700 nanometer, है ना, 1 mm to 700 nanometer किसका होगा, इंफ्रारेड वेव का, किसका होगा इंफ्रारेड वेव का। यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 3 × 10⁻¹ hertz to 4 × 10⁻¹⁴, ठीक है। आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये यहाँ पर आ रहा है, फिर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, अच्छा। ये ऐसे आएगा, इस टाइप से ये सीक्वेंस बढ़ते जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इंफ्रारेड में 3 × 10⁻¹ hertz to 4 × 10⁻¹ hertz, ये किसका रेंज है हमारा इंफ्रारेड का, किसके, हिंदी में बोलते हैं अवरक्त तरंगे, ठीक। तो इसके डिस्कवरी करता कौन है भैया, खोज करता, ठीक है, विलियम हर्सेल। कब हुआ था,
1800, ठीक है, 1800 में इसका खोज हुआ था, विलियम हर्शल साइंटिस्ट ने इसका खोज किया था, है ना। इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या था हमारा, हॉट बॉडी, क्या था, गर्म पिंड के माध्यम से इसका खोज हुआ था, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी भी वही रहेगा, थर्मल इफेक्ट शो करेगा, किसका, इंफ्रारेड का। यदि हम इसके यूजेस देखेंगे तो हमारा फोटोग्राफिक्स में, ठीक, और डिटेक्शन देखेंगे तो हमारा क्या है, थर्मोपॉइल हो गया, बोलोमीटर हो गया, ये किसमें आ जाएगा हमारा, इंफ्रारेड वेव्स में, किसमें आ जाएगा, इंफ्रारेड वेव्स में। नाउ कम टू दी विजिबल लाइट्स, किसमें आ जाएगा हमारा, विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का जो हमारा वेवलेंथ का रेंज है वो क्या है, 7×10⁻⁷ मीटर टू 4×10⁻⁷ मीटर। देखिए विजिबल रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसको ब्रीफ करके भी इसका एक और अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग पूरा वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेवन कलर का विज्ञोर हम जो हम देख सकते हैं वही हमारा रीजन क्या है, विजिबल, जिसको हम देख सकते हैं हमारा रीजन है क्या, विजिबल, दृश्य, दृश्य तरंग, दृश्य प्रकाश कहा जाता है जिसको हम लोग देखते हैं, विज्ञोर, उसको भी हम लोग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगा उसका भी एक क्या है, वेवलेंथ रेंज है, ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विजिबल का जो रेंज होता है याद रखिएगा नैनोमीटर में 700 to 400 नैनोमीटर। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस रेंज को पूछा गया है कि विजिबल रेंज का है, दृश्य प्रकाश का जो रेंज होता है वेवलेंथ बताइए क्या होता है, 700 nanometer to 400 nanometer, ठीक है। यदि एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 7000 to 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यदि मीटर में देखेंगे तो 7×10⁻⁷ to 4×10⁻⁷ मीटर, ठीक है। यदि एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 angstrom = 10⁻¹⁰ मीटर, ये होता है ना, 1 angstrom = 10⁻¹⁰ मीटर, ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अब 1 angstrom में 10⁻¹⁰ मीटर करना है तो यहाँ पर आपको बढ़ाना है कितना, 3 बढ़ाओगे तो 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, क्लियर, है ना, ऐसे तो करोगे जी, क्या होगा देखो, यदि इसी को ले तो चेंज करो, यह हमारा 7 है, इसके पावर को मेरे को क्या बनाना है, 10 बनाना है, तो 10 बनाने से क्या करूंगा मैं, ऊपर नीचे डिवाइड करूंगा, मतलब 10⁻³ मतलब 1000 का, मतलब 3 times 0 ऊपर लगा दिया और 3 times 0 नीचे लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -3 और -3 और ऊपर जाएगा तो -7 के साथ -3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ कितना हो जाएगा, -10 मीटर, ठीक। अब 10⁻⁰ मीटर के प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, सीधा सीधा एंगस्ट्रॉम, अच्छा, करेक्ट है, ठीक, इसको मिटा दो भी, यस, आया समझ में, ये ठीक। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो हमारा होता है 4×10⁻¹⁴ हर्ट्ज टू 7×10⁻¹⁴ हर्ट्ज। इसके साइंटिस्ट देखें तो हमारा कौन है, न्यूटन, ठीक है, कब हुआ खोज, 1666 कैसे हुआ, एक्साइटेड एटम के थ्रू, एक्साइटेड एटम के थ्रू सनलाइट, भाई जहां से सनलाइट इंसिडेंट होगा उस ही रीजन को हम लोग क्या करेंगे, देख पाएंगे, ठीक है, जो हमारा विजिबल होता है, विजिबल रीजन देखते हैं क्या होता है, यहां पर लिखो विज्ञोर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, हिंदी में बोलते बैजानी हपी नाला, ठीक है। तो आप दोनों ही आप कुल मिला के याद करना इम्पोर्टेंट है, क्या कैसे उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस रीजन में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज है। यदि आप नैनोमीटर में ले रहे हैं तो 700 nanometer to 400 nanometer में लेना है, ठीक है, इस रेंज में ध्यान रखेंगे, क्लियर है। इसका सोर्स क्या है हमारा, सन, एक्साइटेड एटम,
और इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो हम लोग देख जो हमारा रीजन होता है विजिबल रीजन, इसमें ह्यूमन देख सकता है, वही क्या कहलाता है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूजेस क्या है, वस्तुओं को देखकर जानकारी प्राप्त करना, इसका उपयोग है, यूज है। और डिटेक्ट क्या करता है, ह्यूमन आई, करेक्ट, मानव नेत्र के द्वारा हम इस रेंज को देख सकते हैं। बहुत इजी है यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। नाउ फिफ्थ नंबर, नंबर फिफ्थ पराबैंगनी तरंगे, अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक। इसका रेंज होता है हमारा वेवलेंथ में देखेंगे 4 × 10⁻⁷ टू 6 × 10⁻¹⁰ मीटर। यदि आप नैनोमीटर में देखेंगे तो 400 नैनोमीटर टू 0.6 नैनोमीटर। देखिए यहां का जो रेंज है फिर से यहां आ जाएगा, ठीक, करेक्ट, यस। तो नैनोमीटर में देखेंगे तो 0.400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग बताएं करेंगे तो ये कितना 4000 से 400, और ये किसमें हो जाएगा एक स्ट्रॉन्ग, अभी थोड़ा देर पहले बताया हूं चेंज करके। अब यहां पर देखिए 0.6 है, 0.6 नैनोमीटर है तो कितना होगा, 6 एक स्ट्रॉन्ग ही होगा, ठीक। इसका यदि हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 7 × 10⁻¹⁴ तो 5 × 10⁻¹⁷ हर्ट्ज। अल्ट्रावायलेट रीजन का जो डिस्कवरी हुआ है वो साइंटिस्ट का नाम है रिटर, और कब हुआ, 1801, ठीक। इसके लिए हम सोर्स देखेंगे तो स्पेशल लैंप हो सकता है वेरी हॉट बॉडी से, लाइक एज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सन, सूर्य इसका बहुत जबरदस्त उदाहरण है। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रॉपर्टीज में क्या जाएगा इसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोवोल्टाइक सेल तो इसका डिटेक्शन है ना, वो डिटेक्ट करेगा, ठीक। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज है। हम यूजेस कहाँ कर सकते हैं इसका, फिंगरप्रिंट्स में है ना, और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह में अल्ट्रावायलेट हमको देख सकते हैं, ठीक। इसके डिटेक्शन की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, फोटोवोल्टाइक सेल, क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टाइक सेल। यहां तक क्लियर है, यस सर। नाउ कम टू द एक्सरे, 6.6 एक्सरे, ठीक है। एक्सरे का हमारा वेवलेंथ होता है 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁸ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर। यदि 10 नैनोमीटर में देखेंगे तो 10 नैनोमीटर टू 10⁻⁴ नैनोमीटर, यदि एंगस्ट्रॉम में देखेंगे तो 100 एंगस्ट्रॉम टू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, ये चेंज करने आना चाहिए मीटर को नैनोमीटर में, नैनोमीटर को मीटर एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू व्हाट, 10⁻⁰ मीटर, ठीक, एकदम सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया हूं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, 3 × 10⁻⁶ हर्ट्ज टू 3 × 10⁻²⁰ हर्ट्ज, दीज आर द रेंज ऑफ व्हाट फ्रीक्वेंसी इन एक्सरे, एक्सरेजन का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉन्टजेन, कब हुआ है इसका खोज, 1895, 1895 में इसका खोज हुआ था, ठीक। अब इसका सोर्स क्या है, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैं एकदम बहुत अच्छा एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें एक्सरे का, बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे सपोज मान के चलो हैवी एटम से लिया यूरेनियम, यूरेनियम में मैं क्या किया हूँ, एक न्यूट्रॉन का है ना, एक न्यूट्रॉन का इसमें बम्बार्ड किया हैवी एटम में, तो ये स्प्लिट हो जाएगा कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, सपोज बेरिलियम एंड क्रिप्टॉन, तो ये फिर से ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 न्यूट्रॉन फिर से रिलीज करेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका सोर्स है बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन हैवी एटम, हैवी एटम में आप यूरेनियम ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका सोर्स हुआ। यदि प्रॉपर्टीज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन है ना, फोटोग्राफिक प्लेट है। इसकी यूजेस देखेंगे तो ट्रीटमेंट इन कहाँ, मेडिकल में होगा, इंक्वायरी में होगा, इंजीनियरिंग फील्ड में होगा, इसके यूजेस हैं, ठीक। और डिटेक्शन क्या डिटेक्ट करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आप हायर क्लास जाते हैं तो इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, किसका,
गाइगर ट्यूब, आप सुने होंगे गाइगर मूलर काउंटर, ठीक है। हायर क्लास में है जी, आप बीएससी एमएससी करते हैं तो फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा ये सब, ठीक है। आयनाइजेशन, गाइगर मूलर काउंटर क्या होता है, ये सब हायर क्लास का है, लेकिन नॉलेज में आप रखिए कहाँ से आता है, क्या रीजन है, उसके जनरल आपको व्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, सेवेंथ नंबर पॉइंट, सेवेंथ नंबर पॉइंट इज व्हाट, गामा रेस, गामा रेस। तो इसका जो हमारा वेवलेंथ करें जो 10 टू पावर माइनस 10 मीटर टू 10 टू पावर माइनस 14 मीटर, ठीक है। इसका जो हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे 3 टू 10 टू पावर 18 टू 3 टू 10 टू पावर 22 हर्ट्ज। इसके जो साइंटिस्ट है वो क्या है, हेनरी बेकरल, कब इसको प्रूव किया, 1896। ये देखिए 95 है और ये 96, 95 96, ठीक है। ये कहां, इसका सोर्स क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है, सपोज मैं ए पार्टिकल को लिया प्लस बी पार्टिकल, दोनों को ऐड करूंगा तो कुछ नया चीज बनेगा, है ना, मतलब रिएक्शन कराना है, तो हमको न्यूक्लियर रिएक्शन में देखना है सब चीज। किसका एग्जांपल होगा, गामा रेस का। और क्या हो सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, उच्च ऊर्जा, है ना, और उच्च विभेदन क्षमता, दैट इज व्हाट यहां पर क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी और हाई रिजॉल्विंग पावर। और इसके यूजेस क्या है, कैंसर के जो हमारा टिश्यूज वगैरह होता है ना, सेल वगैरह को मारने के लिए गामा रेस का यूज किया जाता है, इसमें कैंसर के उपचार में। यहाँ भी हम लोग गाइगर, है ना, गाइगर ट्यूब का देख सकते हैं, आयनाइजेशन चैम्बर का देख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कुछ कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग को थोड़ा से याद करते बनना चाहिए। तो हुआ कई वीडियो चैनल में ये बताया जाता है कि इसको, इसका सीक्वेंस याद करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से किसी का रेंज याद करें या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उसका सीक्वेंस याद करें। आपको समय लगेगा लेकिन आप सही चीज को फॉलो करिए। कोई शॉर्ट ट्रिक के चलते आपका टाइम भी वेस्ट होता है, है ना। सीधा सीधा एक बार उसी चीज को याद कर लीजिए, हम 100% याद होगा, नो डाउट, है ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इसी को बताने के चक्कर में 10 प्रकार का वो ट्रिक लगाते रहते हैं कि ये ट्रिक बनाइए, ऐसा करके याद कीजिए। भाई जो ओरिजिनल है उसी चीज में जाइए। मैं क्या बोल रहा हूँ शुरुआत में ही, इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी डिक्रीजिंग में, केवल मैं दो ही लाइन लिखा हूँ यहाँ पास, जो ऑथेंटिक है जो सही है उसी पर जाओ, भले दो तीन बार मेहनत लगेगा लेकिन हमेशा हमेशा के लिए याद होगा, ठीक है। इधर इधर देखो, पहले इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बढ़ते हुए आवृत्ति, एक लाइन याद हुआ। दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं, घटते हुए तरंग है, इसको तो पहले याद करो। इस सीक्वेंस को यदि बिगाड़े आप तो आपका इधर ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के बढ़ते क्रम और वेवलेंथ के घटते क्रम, ठीक। तो यहां पर आप याद रखिएगा, मैं यहां पर बिना देखे याद करवा रहा हूं। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है। पहला होता है हमारा रेडियो, हम किस सीक्वेंस में याद कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वेवलेंथ डिक्रीज होगा, इस क्रम में रेडियो, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रा के बाद विजिबल, ठीक है। टोटल कितने हमारे पास, सात है। पहला वाला रेडियो, लास्ट वाला गामा, पहला वाला रेडियो, लास्ट वाला गामा, बीच वाला क्या है हमारा विजिबल, बीच वाला क्या है विजिबल। कितना याद हो गया हमारे पास, तीन। कितना बचा है, चार, चार बचा है ना। तो दो यहां डालो, दो यहां डालो बीच में जी। कोई लंबा चौड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है, जो चीज ऑथेंटिक है उसी करिए। पहला नंबर क्या है, रेडियो, लास्ट वाला क्या है गामा, पहला क्या है रेडियो, लास्ट क्या है गामा। सेंटर में क्या लेना है, विजिबल, जिसको हम लोग देख सकते हैं। कभी भी आप देखोगे तो सेंटर में देखते हैं ना हम लोग, तो सेंटर वाला पार्ट क्या रखते हैं हमारा विजिबल रीजन, विजिबल से हम लोग देखेंगे। और बीच बीच में दो अगल बगल बचा है ना, इसमें दो डालिए, इसमें दो डालिए, याद हो गया, सात हो गया। तो रेडियो के बाद आता है हमारा माइक्रो, माइक्रो के बाद आता है इंफ्रा, इंफ्रा के बाद आता है विजिबल,
विजिबल के बाद आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद गामा। ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक। इस सीक्वेंस में आप ये ध्यान रखिए कि रेडियो से चालू कर रहे हो मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वेवलेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ यदि मैं बोलूं और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी बोलूं तो आपको गामा से जाना है। इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करूंगा, इंक्रीजिंग वेवलेंथ की बात करूंगा और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तब मैं यहां उल्टा आऊंगा। पहले गामा बोलूंगा, गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रा, अल्ट्रा के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद रेडियो। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम बहुत इजी है, ठीक है। रेडियो, रेडियो वेव का कौन है, मार्कोनी। कब किया, 1899, एकदम इजी है, ठीक है। और माइक्रो का साइंटिस्ट कौन है भाई, हर्ट्ज, ठीक है। आप देख सकते हैं हर्ट्ज है, 1888 है ना, वो 1899 and 1888 सीधा सीधा है ना। माइक्रोवेव के खोजकर्ता का नाम क्या है, हेनरी, ठीक है। थर्ड नंबर में आ जाएंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड में साइंटिस्ट का नाम क्या है हमारा, विलियम हर्सेल, है ना, विलियम हर्सेल। इसके ईयर याद रखेंगे 1800, बहुत इजी है। किसके, उसका इंफ्रारेड का है, इंफ्रारेड का किसका है, अवरक्त किरणें का, विलियम हर्सेल 1800, ठीक है। और विजिबल लाइट तो एकदम जानते हैं हम लोग न्यूटन सर ने, ठीक है, 1666। देखो दो तीन चीज ऐसा है कि याद हो रहा है, एक तो 1888 आ रहा है, एक 666, 666 हमारा विजिबल, 888 माइक्रो, ठीक है। इधर 95, 96, ये तो इधर याद हो जाएगा, नीचे का 95, 96। हेनरी बैकवर्ड हमारा गामा का, और एक्सरे का क्या है, रॉन्टजेट, ठीक है। एकदम इजी है, याद हुआ कि नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। और रीटर एक हमारा हो जाता है अल्ट्रावायलेट, ये थोड़ा सा एक अलग है, इसमें 1801 में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ के हिसाब से मैं बता दिया, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हो गया, डिस्कवरी हो गया। भले मैं छोटा छोटा लिखा हूं, यदि आप मेरे बातों पर गए होंगे तो आपको चीज समझ में आया होगा, है ना। मैं बराबर उसको कर्सर रख के बताया हूँ कहाँ कैसे क्या हो रहे हैं। ये एकदम शॉर्ट है, इसके भी ब्रीफ में मैं ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ, तो इसमें सिर्फ कुछ डाउट, ठीक। चलिए क्लोज करें, चलिए, थैंक यू क्लास।